सिंधु कम्युनिकेशन पे डकैती हुई है। ये इसके इसके ये बैठा हुआ है, इसे दूसरी दफा डकैती हुई है। पहले डकैती हुई थी, हमने एहतजाज किया था, पूरी रात धरना लगा के रोड बंद करके बैठे थे। आज फिर उस दुकान की डकैती हुई है। आज के दिन की इतला है कि आज के दिन 8 डकैतियां हुई है। और बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि डकैत कह रहे हैं कि पुलिस किधर है, आए ना पुलिस, पुलिस को बुलाओ, बुलाओ पुलिस को। मैं अपने SSP मलीर से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, मुतालबा करता हूं, बराए मेहरबानी गुलशन अदीद में ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बहुत खराब है, इसको कंट्रोल किया जाए और ये स्पेशली इस मामले को देखा जाए। जो गुलशन अदीद के लोग हैं, अवाम है, रोजाना की बुनियाद पे जो लुट रहे हैं, मैं अपील करता हूँ। और मैं अभी भी आज अपने लोगों के दरमियान धरना लगा के बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं सारे लोग खड़े हुए हैं। मसला सिर्फ इतना है कि जब हमारे लोग लुट रहे होंगे तो हम घरों में बैठ के क्या करेंगे, जाहिर है हम अपने लोगों के साथ एहतजाज करके बैठेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ, मुतालबा करता हूँ SHO से, अगर आप कंट्रोल कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो मेहरबानी करके थाना छोड़ो और कोई अच्छा एक्टिव SHO में दिया जाए जो कि इन डकैतों को लगाम दे, इनको 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 सीधा करे। जब तक ये डकैत कंट्रोल में नहीं होंगे, जब तक गुलशन अदीद के लोगों को सुकून नहीं मिलेगा, जब तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, जब अमन कायम नहीं होगा, हम चुप करके नहीं बैठेंगे। हम अपने लोगों के साथ बैठेंगे, लोगों के दरमियान होंगे, लोगों को अकेला नहीं छोड़ोगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं अपने लोगों के साथ हूँ और मैं अपने किसी भी साथी को, किसी भी शहरी को इस तरह लुटने नहीं दूंगा। मेरी गुजारिश है, मेरी अभी SHO से बात हुई है, मेरी DSP से बात हुई है, मेरी SSP से बात हुई है, मैंने सबसे गुजारिश की है कि ब्राय मेहरबानी डकैत पकड़े, डकैत पकड़े, उनको उनको ऐसी सजा दे कि आइंदा किसी को जरूरत ना हो कि गुलशन अदीद के पूरा मन शहरों को लूट सके। बहुत शुक्रिया।